ग्रीन टी के इस्तेमाल से वेट कम किया जा सकता है, ये कैसे होता है और हम कैसे अपनी डेली लाइफ में ग्रीन टी को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं और हम शुरू कर रहे हैं अभी। वेलकम टू अनदर वीडियो बाय प्लस माइनस। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आपको फूड और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वेट कम करना है बट जंक फूड और बैड ईटिंग हैबिट्स को भी नहीं छोड़ना, यानी मज़े भी लेने हैं और फिट भी रहना है, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। अब जिन लोगों का वेट ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि वो इसको कम कर सकते हैं। करना आपको ये है कि ग्रीन टी को अपनी लाइफ में लेके आना है और रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेटली वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा। ग्रीन टी के हेल्थ बेनिफिट्स की बात की जाए तो वेट लॉस सबसे इम्पोर्टेंट है। ग्रीन टी का रेगुलर इस्तेमाल मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर देता है और फैट बर्निंग का प्रोसेस भी तेज़ कर देता है। जब मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा और फैट भी कम होती जाएगी तो अल्टीमेटली वेट कम हो जाएगा। साइंटिफिक स्टडीज शो करती हैं कि ग्रीन टी में पाए जाने वाले नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट कैंसर को रोकने में मदद करते हैं। ग्रीन टी का रेगुलर इस्तेमाल ब्लड शुगर लेवल को कम करता है और डायबिटीज के रिस्क को भी कम कर देता है। ग्रीन टी के ये हेल्थ बेनिफिट इसमें मौजूद बायोएक्टिव कंपोनेंट की वजह से हैं, जिनमें पॉलीफिनॉल सबसे इंपॉर्टेंट है। कैटेकिन सबसे मेजर पॉलीफिनॉल है जो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है और ग्रीन टी के ज्यादातर बेनिफिट्स इसकी वजह से हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रीन टी को अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करने की। ग्रीन टी मार्केट में इजीली अवेलेबल है और इसको इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका एज ए चाय के तौर पर पीने के लिए एक कप गर्म पानी लें और इसमें एक टीस्पून हनी ऐड कर दें। इसके साथ जिंजर के कुछ स्लाइसेस और मिंट के कुछ पत्ते भी ऐड कर दें। ग्रीन टी का एक टी बैग लें और तकरीबन 30 सेकंड तक मिक्स करें। इसके बाद आप अपनी ग्रीन टी को एंजॉय कर सकते हैं। ग्रीन टी को वेजिटेबल सैलड्स के ऊपर क्रश करके भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा ग्रीन टी को किसी भी स्वीट के ऊपर पाउडर फॉर्म में लगा कर यूज़ किया जा सकता है। जिन लोगों को टी पीना पसंद नहीं है वो ग्रीन टी का जूस भी बना सकते हैं। करना आपको ये है कि हाफ ग्लास ठंडी की हुई ग्रीन टी लेनी है और इसमें हाफ ग्लास अपने किसी भी फेवरेट फ्रूट का जूस ऐड कर देना है। इसके बाद आपने इसको आइस में ब्लेंड करना है और इसको ईजिली इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप रेगुलरली ग्रीन टी को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ये सब बेनिफिट ग्रीन टी में पाए जाने वाले नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर ज़रूर करें। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।